वन ऑफ दो सब्जेक्ट इज टैक्स जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं मालूम होता है एंड जनरली लोगों को लगता है कि अरे टैक्स है बहुत डिफिकल्ट रहेगा एंड ऑल दैट या फिर सी एस को ही टैक्स अच्छे से आता है सी एस को नहीं आता है ऐसा कुछ नहीं द सिलेबस इज वेल डिफाइंड फॉर योर कोर्स और आपके कोर्स के हिसाब से उन्होंने अडेप्ट भी किया हुआ है राइट तो अभी देखते हैं आपको क्या क्या करना है टैक्स में लेट टेक अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ओके ना फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट इज टैक्स अभी देखो टैक्स का डेफिनेशन क्या है इट इज अ चार्ज एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज लाइक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी नाउ हैव यू एवर वंडर्ड कि जो कंट्री अपनी चलती है या फिर कोई भी कंट्री कैसे चलती है पैसा कंट्री के पास गवर्नमेंट के पास कहाँ से आता है वो पैसा आता है सिटीजन से अगर आप कोई सर्विसेस uh, ले रहे हो गवर्नमेंट से फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेशन है हेल्थ केयर है सिक्योरिटी है नेशनल सिक्योरिटी है तो डोंट यू थिंक दैट इट इज बट जस्ट कि आप उसके बदले में कुछ रेवेन्यू uh, अपने पार्ट एक पार्ट दो गवर्नमेंट को दैट इज नोन एज टैक्स फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ एवरी तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप अपने सैलरी में से मुझे थोड़ा सा पैसा दो टू टेक केयर ऑफ यू अदरवाइज वेर विल आई गेट माई मनी फ्रॉम बिकॉज गवर्नमेंट इज प्योरली डूंगल सर्विस बदले में पैसा हम गवर्नमेंट को देते हैं इन ऑर्डर टू फंक्शन प्रॉपरली एज अ स्टेट दैट इज नोन एज टैक्स एक चार्ज कंपल्सरीली तो जाता है राइट right? हो गया डेफिनेशन ना लेसन प्लान देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है ना बेसिकली टू पार्ट में आपका सिलेबस डिवाइडेड है डिरेक्ट एंड इनडिरेक्ट टैक्स ओके ना विल गो अहेड एंड सी वट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस ना यू हैव टू टाइप्स ऑफ टैक्सेज बेसिकली विच इज डिरेक्ट टैक्स एंड इनडिरेक्ट टैक्स अभी दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है देखिए ठीक है सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स नाउ डायरेक्ट टैक्स मतलब बेसिकली आपको होता है इनकम टैक्स बहुत आपने सुना होगा इनकम टैक्स के बारे में कि लोगों का इनकम होता है लोग इनकम छुपाने क्या ट्राई करते हैं टैक्स मैनेजमेंट ट्राई करते हैं ये सब क्या होता है ये सब आप इसमें देखोगे कि इनकम टैक्स एक्चुअली कैसे पे किया जाता है

टैक्स भी वैसे-वैसे बड़ा राइट एंड रिलेटिव मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज होता है सब्जेक्टिव या रिलेटिव है मतलब क्या जिस पर्सन का सैलरी 10 लाख है उसको टैक्स ज्यादा जाएगा जिसका इनकम 12 लाख है उसका टैक्स और ज्यादा जाएगा तो पर्सन टू पर्सन टैक्स विल वैरी राइट ये हो गया डायरेक्ट टैक्स दो पार्टो एंड सर्विस बिफोर जीएसटी देवर फाइव डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस टू स्टडी दम लाइक क्या क्या था कस्टम्स था एक्साइज था सेल्स टैक्स था वैट था सर्विस टैक्स था पांच टैक्स अभी सबको सब्स्यूम कर लिया जीएसटी के अंदर और दो ही टैक्सेस एक है जीएसटी

ये तो हो गया बेसिक आपको समझ में आ गया कि टैक्स इतना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है वंस यू अंडरस्टैंड इट इट्स क्वाइट इजी अभी हमारे कोर्स में क्या पढ़ना है डू वी वी हैव हैव टू टू स्टडी स्टडी अभी देखो यहां पे क्या दिखे? आपको डी टी आई डी टी फिफ्टी फिफ्टी मतलब मार्क्स का स्कीम है डिरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स फिफ्टी मार्क्स के लिए है इनडिरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी एंड कस्टम्स आपको फिफ्टी मार्क्स के लिए Now, इसमें ना उसमें कंफ्यूज मत होना गाइस इनकम टैक्स पूरा फिफ्टी मार्क्स के लिए इन टैक्स में दो पार्ट है आपको कस्टम्स पे एक ही चैप्टर है अभी एग्जीक्यूटिव लेवल पे फाइनल में जाके आपको कस्टम्स थोड़ा डिटेल में आएगा अभी बेसिकली आपको जीएसटी ज्यादा डिटेल में करना है कस्टम्स का एक छोटा सा चैप्टर है है तो कस्टम्स एंड जीएसटी मार्क्स और इनकम टैक्स का फिफ्टी मार्क्स है राइट नाउ विल फाइनली गो टू विर सिलेबस नाउ देखो सिलेबस में क्या क्या है यू हैव पार्ट वन विच इज योर डिरेक्ट टैक्स देर आर टेन चैप्टर्स एंड पार्ट टू इन डिरेक्ट टैक्स

मैंने सिर्फ चैप्टर्स के यहाँ पे आपको हेडिंग्स दिए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स इनकम्स डू नॉट फॉर्म फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम जो नहीं पार्ट है इनकम के वेरियस हेड्स ये कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ फॉर्वर्ड आपको नहीं समझेगा वी जस्ट नो दैट यू हैव चैप्टर्स लास्ट में देखो ये जो कंपनीज का टैक्सेशन भी है आपको प्रोसीजरल कंप्लायंस एंड असेसमेंट ये जो नाइन्थ एंड चैप्टर टें बिट थियोर राइट की प्रोसीजरल कंप्लायंस क्या है टैक्स से रिलेटेड लॉज क्या क्या है वो थोड़े बहुत आपको पढ़ना है थोड़ा थियोर पार्ट है राइट फॉर्म फाइलिंग एंड ऑल अभी इनडिर इन टैक्स में जीएसटी में यू हैस टी एक्ट सी जी एस टी एक्ट एस जी एस टी एंड यूटी जी एस टी मतलब स्टेट सेंटर इंटीग्रेटेड एंड यूनियन टेरिटरी के लिए अलग अलग जीएसटी एक्ट आपको सेंट्रल जीएसटी एक्ट डिटेल में कर दिया तो बाकी सारे उसकी जेरोक्स कॉपी सो नथिंग टू वरी देर कंपेरेटिवली गाइज इन डिरेक्ट टैक्स इज इजियर देन डिरेक्ट टैक्स बिकॉज डिरेक्ट टैक्स वास्ट है बहुत इट्स एक्चुअली नॉट वर्थ फिफ्टी मार्क्स बिकॉज इट्स टू वास्ट बट आपको सी एस के एमसी क्यू पैटर्न है एग्जाम में उसके हिसाब से वो कंसाइज वे में आप पढ़ सकते राइट दिस इज ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस नाउ लेट इस गो टू योर पेपर पेपर पैटर्न पैटर्न नाउ विल बी हंड्रेड क्वेश्चन हंड्रेड मार्क्स राइट यू हैव थ्री आर्स एंड आई हैच इज पॉइंट टू फाइन नेगेटिव मार्किंग नाउ वट इज दैट पॉइंट टू फाइन नेगेटिव मार्किंग मतलब फॉर एवरी वन रॉन्ग आंसर दैट यू टिक नेगेटिव मार्क विल बी मतलब क्या एक गलत अगर आपने टिक किया, उसका नेगेटिव जाएगा. मतलब जितने करेक्ट आंसर्स दिए हैं उसमें से मार्क है उसमें से जो गलत है वो माइनस किए जाते हैं फॉर एग्जांपल अगर मैंने 60 क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें से मेरे 50 राइट right है 10 रॉन्ग है 10 चलो 8 रॉन्ग है ठीक है तो फिफ्टी क्वेश्चन सिक्सटी क्वेश्चन में से मेरे टेन रॉन्ग है तो मतलब मेरे करेक्ट कितने हुए फिफ्टी अभी फिफ्टी में से वो माइनस होंगे आठ गलत थे ना मेरे चलो फिफ्टी टू राइट थे और आठ गलत थे आठ अगर गलत है अगर चार रॉन्ग किए तो एक मार्क जा रहा है तो आठ रॉन्ग किए तो दो मार्क जाएंगे तो फिफ्टी टू में से मेरा अभी करेक्ट में से रॉन्ग के मार्क्स माइनस हुए माइनस टू एंड देन माई नेट फिगर विल बी

सारे अटेम्प्ट करने ही हैं ये दिमाग से निकाल दो फाउंडेशन में कैसे आपको कोई आ, इतना प्रेशर नहीं होता था बट नाउ यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एज टू वॉट यू सिलेक्ट विच ऑप्शन यू सिलेक्ट इन द क्वेश्चन राइट तो पेपर्स तो बहुत ईजी होते हैं सी ए में कैसे पूरा रिटर्न पेपर रहता है फॉर टैक्स बट बाय गॉड ग्रेस आपको एग्जीक्यूटिव में इतना नहीं बिकॉज योर फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज इज कंपनी लॉ राइट एंड लॉ एंड यू आर लाइक द लीगल लॉयर्स लॉयर्स ऑफ द कंपनी सो टैक्स का आपको एक करसरी नॉलेज होना चाहिए फॉर बींगल राउंडर दैट सॉ इसमें आपके सिर्फ कंसेप्टिवाइज होंगे यू शुड नो वॉट इज वॉट अगर आपको किसी ने कल पूछा कोई सवाल तो आपको प्लानिंग में और टैक्स में अच्छे से जवाब देते दे दे आना चाहिए दैट इज द होल पॉइंट ऑफ दिलेबस राइट आई होप यू क्लियर एंड आई होप यून अ ग्रेट टाइम स्टार्टिंग दिस सब्जेक्ट स्टार्टिंग टूमोर